नमस्कार, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। हालांकि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। इन नोटों को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है और वहीं से बदला जा सकता है। यह खबर आने के बाद कुछ लोग उलझन में हैं, खास तौर से वे लोग परेशान हैं जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट बंद होने का मतलब यह कतई नहीं है कि इसका मूल्य रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इसके लिए पर्याप्त समय दिया है ताकि लोग इन्हें बदल सकें। यदि आपके मन में 2000 रुपये के बंद होने से कुछ सवाल उठ रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं। नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेज़ी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। 2000 रुपये मूल्य के ज़्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवनकाल 4 से 5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, जनता की करेंसी के आवश्यकता की पूरा करने के लिए। अन्य मूल वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया गया कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए। अब आपके पास यदि 2000 रुपये के नोट हैं तो आप क्या करें? यदि आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बदलवा सकते हैं। इसके लिए RBI ने पर्याप्त समय दिया है। प्रश्न उठता है कि 2000 रुपये का नोट अब चलेगा या नहीं चलेगा। आपको बता दें, 2000 रुपये का नोट बिल्कुल वैध है, यह सिस्टम में अभी चलेगा, लेकिन लेन देन में शायद ही कोई इसे लेना चाहेगा। कारण है कि इन्हें उस नोट को बदलने के लिए उन्हें भी लाइन में लगना पड़ेगा, यानी कि बैंक में जाना पड़ेगा। झमेले से बचने के लिए लोग इन्हें लेने से बच सकते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो वो कहाँ से बदला जाएगा। RBI ने बताया कि 2000 रुपये के बैंक नोट को किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं। यानी अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में है और आपके घर के पास पंजाब नेशनल बैंक है तो आप PNB जाकर 2000 रुपये का नोट बदलवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी स्पेसिफिक बैंक में जाकर नोट बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी बैंक में जाकर इन्हें बदल सकते हैं। प्रश्न उठता है, आपके 2000 रुपये के नोटों को कब से बदला जा सकता है? देखिए, बैंक 2000 रुपये के नोटों को बदलने का काम 23 मई 2023 से शुरू कर देंगे। कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए बैंक के कामकाज के घंटों में कभी भी इन नोटों को बदलवाया जा सकेगा। अगला प्रश्न उठता है, एक बार में कितनी 2000 रुपये के नोटों को बदलवा सकते हैं? बैंक का सामान्य कामकाज डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। यानी 23 मई 2023 से आप एक बार में 20,000 रुपये तक 2000 रुपये के नोटों को बदलवा सकते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है, कब तक अपने 2000 रुपये के नोट को बदलवा सकते हैं? यदि आपके पास अपने 2000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए पर्याप्त समय होगा, लिहाजा किसी तरह की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज किया जा सकेगा। यानी इन नोटों को बदलने के लिए 23 मई से सितंबर तक का समय आपके पास रहेगा। कुछ लोगों के दिमाग में आया, क्या ये नोटबंदी है? अरे नहीं भाई, ये कतई नोटबंदी नहीं है। 2000 रुपये के नोट पूरी तरह से मान्य रहेंगे, इन्हें बंद नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता सिस्टम से हटाने के लिए वापसी की जा रही है। RBI को लगता है कि जिस उद्देश्य से इन्हें छापा गया था अब उन्हें पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, बैंकों में एक्सचेंज सुविधा मुफ्त दी जाएगी।
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई बैंक 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने, स्वीकार करने, जमा करने से मना कर दे तो शिकायतकर्ता पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। यदि आपके मन में कुछ और भी प्रश्न उठ रहे हैं तो प्रयास करूँगा अगली वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुँचा सकूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।